फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बालों के झड़ने के बारे में, बाल क्यों झड़ते हैं और उसको हम कैसे रोक सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बाल जो झड़ते हैं वो किसी ना किसी कारण से झड़ते हैं। बालों का झड़ना बहुत बड़ी समस्या है और बालों को झड़ने से रोकना ज़रूरी है, अदरवाइज आपके बाल्डनेस हो सकता है, पैचेस हो सकते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, बालों को झड़ने से रोकने के लिए सबसे पहले हम ट्राई करते हैं आयुर्वेदिक रेसिपीज या फिर घर के घरेलू उपचार। अगर आप सब कुछ करके थक चुके हैं और फिर भी आपको लगता है कि आपके बाल झड़ रहे हैं, आप से कंट्रोल नहीं हो रहा है और आपके बाल जो हैं हर वॉश में, हर बार जब आप कंघी करते हैं तो गिर रहे हैं, तो उस केस में आपको सीरियस होना ज़रूरी है। आपको ये फाइंड आउट करना ज़रूरी है कि आपके बाल किस लिए गिर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए गए बेल बटन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस को आप मिस न कर पाएं। फ्रेंड्स, कभी कभी तो सीजन के हिसाब से हमारे बाल झड़ते हैं, लेकिन अगर आपके बाल हर वॉश में या हर बार कंघी करने में 100 से ज़्यादा बाल आपके गिर रहे हैं, इट मीन्स इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मुझे भी ये समस्या हुई थी और मैंने इससे कैसे निजात पाया, या फिर आप कह सकते हैं कि मैं कैसे उस दौर से गुजरी और मैंने क्या क्या अप्लाई किया और क्या क्या मैंने इंटरनली इंटेक किया जिससे कि मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, मीन्स हेयर फॉल बिल्कुल रुक गया। नाउ जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने 6 महीने पहले एक वीडियो अपलोड किया था जून 2018 में और मैंने ये बताया था कि मुझे वीट सेंसिटिविटी है, इट मीन्स आई हैव ग्लूटेन इनटॉलरेंस और मुझे वीट से एलर्जी थी जिसके कारण मेरा HP बहुत कम रहता था, हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता था, 8 to 9 की रेंज में रहता था, बट सडनली वो 5-6 की रेंज में चला गया था जिसके कारण मेरे बाल भी झड़ रहे थे और मैं बहुत ही वीकनेस फील कर रही थी। तो फ्रेंड्स, मेरा ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट इन द सेंस बहुत सारे टेस्ट हुए मेरे और उसमें यही पाया गया कि मुझे वीट एलर्जी थी। उसके बाद मैंने अपने डाइट पे कंट्रोल किया, वीट को छोड़ दिया और बाकी जो ग्लूटेन फ्री के प्रोडक्ट्स आते हैं उसी को मैंने यूज़ करना शुरू किया और विद इन 1 month मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो 6 से 12 हो गया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आपने चेक कराना है अपना हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा लो लेवल पर है तो आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ेंगे और यहाँ पे मैंने हीमोग्लोबिन को कंट्रोल किया, मींस मेरा 12 आ गया और उसके बाद कंटिन्यूस हमने 2 से 3 महीने चेक कराया मंथली और वो ठीक रहा। लगा कि मेरा हीमोग्लोबिन ठीक है तो अब मेरे बाल झड़ना कम हो जाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स उसके बाद भी मेरे जो बाल हैं कंटिन्यूस गिरते जा रहे थे और बालों के झड़ने की जो प्रॉब्लम होती है मेन कारण होता है हीमोग्लोबिन या विटामिन B12 की कमी, विटामिन डी की कमी और आपके थायराइड अगर आपको है, PCOS है या फिर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है आपके बॉडी के अंदर, उसके कारण आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी लाइफ में ये पहला मेरा एक्सपीरियंस रहा जिसमें मेरे बाल हर वॉश में 200 से ज़्यादा गिर रहे थे। जी हाँ, 200 से ज़्यादा, पहले तो मैंने काउंट नहीं किया लेकिन फिर जब मुझे बहुत टेंशन होने लगी तो मैं उसे काउंट करने लगी और जब 200 से ज़्यादा वो गिरने लगे तो मैंने यहाँ पे स्किन स्पेशलिस्ट से मैंने मीटिंग की और वहाँ से पता किया कि क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन ठीक है, विटामिन B12 का टेस्ट भी मैंने कराया था वो भी ठीक था, और फिर उन्होंने कुछ सप्लीमेंट्स दिए मुझे एंड कुछ मुझे लगाने के लिए दिया हेयर पे, लेकिन जो सप्लीमेंट्स उन्होंने दिया वो केमिकल वाले थे, एलोपैथिक सप्लीमेंट्स थे जो मुझे सूट नहीं करते। मैंने उसे खाया 3 से 4 दिन लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो पाए मुझसे। स्पेशलिस्ट ने मुझे जो सप्लीमेंट दिया था वो सप्लीमेंट था बायोटिन प्लस फॉलिक एसिड प्लस B12 और भी मल्टीविटामिन्स थे उसमें, लेकिन वो मुझे सूट नहीं कर रहा था तो मैं वो नहीं खा पा रही थी क्योंकि मैं आयुर्वेदिक रेसिपीज पे विश्वास रखती हूँ, मैं एलोपैथिक दवाई बहुत कम लेती हूँ और होम्योपैथिक दवाई ही लेती हूँ ज़्यादातर, लेकिन कभी कभी जब ज़रूरत होती है तो हमें एलोपैथिक में भी जाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने नेट पे सर्च किया ग्लूटेन फ्री बायोटिन जो कि अच्छी ब्रांड का हो और उसके इन्ग्रीडियंट्स की लिस्ट को मैंने चेक किया और मुझे मिला ये न्यूट्रीन लाइफ का हेयर स्किन एंड नेल्स का सप्लीमेंट।
तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, ये न्यूट्रीन लाइफ का हेयर स्किन एंड नेल्स का सप्लीमेंट है, जिसमें ये 5000 एमसीजी बायोटिन है, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सप्लीमेंट है जिसमें कि ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट और अमीनो एसिड्स भी हैं। और जनरली ये बायोटिन का कलर रेड होता है, मींस इसमें नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स एडिड होते हैं, बट दिस इज वेगन और वेजिटेरियन है ये। और इसमें 60 कैप्सूल्स हैं, एडवांस्ड फॉर्मूला है, 100% हर्बल ब्रांड है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि एडल्ट के लिए एक ही कैप्सूल लेना है आपने, और ये है गुजरात की कंपनी का बना हुआ, CVM एंटरप्राइजेस इसे मार्केट करते हैं, और न्यूट्रिन लाइफ इनकी ब्रांड है, और ये 18 महीने के लिए एक्सपायरी है इसका। और इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें हम, स्किन है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें विटामिन सी है 40 mg, विटामिन B3 18 mg, विटामिन B5 5 mg, विटामिन B6 2 mg, विटामिन B1 1.4 mg, विटामिन B2 1.8 mg, विटामिन ई है 7.5 IU, और बायोटिन है 5000 mcg, विटामिन ए है 4800 mcg, फॉलिक एसिड है 1 mcg, और इसमें काफ़ी मिनरल्स भी एडिड हैं, जैसे कि कैल्शियम है 100 mg, मैग्नीशियम है 50 mg, आयरन 14 mg, जिंक 10 mg, मैग्नीशियम 5 mg, कॉपर 1.35 mg कॉपर है, आयोडीन है 110 mcg, ग्रेप सीड का एक्सट्रैक्ट है 100 mg, अमीनो एसिड्स हैं जिसमें आपके बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं और हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और अदर इंग्रेडिएंट्स में है यहाँ पे ये वेज कैप्सूल है, नथिंग ELES है, जीरो फिलर्स है, जीरो बाइंडर्स हैं इसमें, जीरो आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, ग्लूटेन फ्री है, सोया फ्री है, शुगर फ्री है, लैक्टोज फ्री है, डेयरी फ्री है, फैट फ्री, कोलेस्ट्रॉल फ्री, नो GMOs। प्राइस मैं बता दूं तो ये है 2900 के, लेकिन ये 50% डिस्काउंट पे मुझे मिला, और 50% डिस्काउंट अभी भी आप इसको खरीद सकते हैं अगर आप चाहते हैं बायोटिन को खरीदना। बायोटिन हमारे स्किन, नेल्स, हेयर सबके लिए अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ नेल्स का मैंने एग्जांपल दिखा दिया है आपको, और हेयर का भी मैं यहाँ पे पिक्चर्स इंसर्ट करूँगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इसमें इम्प्रूवमेंट आई है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कुछ क्लिप्स इंसर्ट कर दूंगी जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि मेरे नेल्स 6 महीने पहले कैसे थे। तो फ्रेंड्स बायोटिन का क्या रोल है हमारे हेयर, स्किन एंड नेल्स के लिए, इसका मैंने एक्सपीरियंस लिया है। पहले आप मेरे वीडियोस को, पीछे वाले वीडियोस को चेक कर सकते हैं, उसमें आपको मेरे नेल्स ब्रिटल लगेंगे, आपके जो नेल्स हैं आगे से कटने से लग जाएंगे, स्प्लिट होने लग जाएंगे, ब्रिटल हो जाएंगे और जल्दी से टूटने लगेंगे। ये प्रॉब्लम मुझे लाइफ में कभी भी नहीं हुई है, लेकिन अभी लास्ट ईयर जून में, नहीं मार्च अप्रैल से मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी थी, देन जून में डायग्नोज हुआ था कि किस कारण से हुआ, एंड देन अगस्त तक मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो ठीक हो गया, देन इट वॉज रिकवरिंग, बट जो हेयर थे मेरे वो फॉल होते ही जा रहे थे, और नेल्स जो थे बहुत अच्छे से नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि मेरे नेल्स की टेंडेंसी ऐसी थी कि मेरे नेल्स 15 दिन में बहुत लंबे हो जाते थे पहले। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम मुझे ग्लूटेन इनसेंसिटिविटी हुई, तो उसके कारण मेरे जो नेल्स और हेयर बहुत ज़्यादा मुझे नुकसान हुआ उनका। एंड देन मैंने ये यूज़ किया 15 days to 20 days, मैंने इसको यूज़ किया है, ये कैप्सूल्स में है, कैप्सूल फॉर्म में है, और ये आपको डेली एक लेना होता है। और बायोटिन जो है हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एज़ यू नो मैं वेजिटेरियन हूँ, तो हमें खाने से बहुत ज़्यादा बायोटिन नहीं मिलता है, और हम फिश वगैरह नहीं लेते हैं, तो उससे उसके कारण भी बायोटिन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है। तो एक यही लास्ट ऑप्शन था मेरे पास जिसको मुझे अप्लाई करके देखना था कि मेरे हेयर फॉल रुकता है या नहीं। देन आई ट्राइड दिस सप्लीमेंट एंड आई सीन विजिबल रिजल्ट्स विद इन 7 days। 7 days में मेरे जो बाल गिरना 5 से 10 हो गए, अगर आपके 200 गिर रहे हैं तो वो 5 to 10 में चेंज हो गए, दैट वॉज ड्रास्टिक चेंज। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बायोटिन हेल्प करता है आपके हेयर ग्रोथ को। मैंने, आप चेक कर सकते हैं पिछले वीडियो में, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि मैं न्यूट्रीलाइट का बायोटिन यूज़ कर रही थी, बट आफ्टर दैट मुझे ग्लूटेन इनसेंसिटिविटी हो गई, तो मैंने उसे डिसकंटिन्यू कर दिया। एंड नाउ दिस इज़ द सेकेंड
विच आई ट्राइड एंड फाउंड इट मच मच बेटर देन दैट ऑल्सो। और इसका जो फॉर्मूला है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी अच्छे लगे। हर्बल प्रोडक्ट है, कोई भी इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको डेली का एक ले सकते हैं। और मेन जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप कोई बायोटिन का सप्लीमेंट सर्च कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि आपके हेयर फॉल बहुत सारी चीज़ें करने के बाद भी नहीं रुक रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं। बायोटिन हेल्प्स इन हेयर रीग्रोथ एज वेल। तो अभी मैंने इसको 15 टू 20 डेज में अपना जो हेयर फॉल है वो ड्रास्टिक चेंज देखा है। आई विल कंटिन्यू इट फॉर दीज टू मंथ्स एंड आई विल सी, आई एम श्योर दैट मेरा हेयर ग्रोथ भी होगा इनसे। प्लस आपने अपना जो शैम्पू एंड कंडीशनर है वो कभी चेंज नहीं करना, जो आपको सूट करता है वही यूज़ करते रहिए, माइल्ड शैम्पू यूज़ करिए। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कुछ क्लिप्स इंसर्ट कर दूंगी जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि मेरे नेल्स 6 महीने पहले कैसे थे। फॉल होने लगता है और बहुत बुरी तरह से होने लगता है तो आप अंदर से दुखी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसने मुझे हेल्प की है बहुत ज़्यादा और आई विल रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। अगर आपको कोई भी ऐसा बायोटिन ढूंढ रहे हैं जो इफेक्टिव हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगी और इस पर अभी 50% के अराउंड डिस्काउंट है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये डिस्काउंट हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो आप इसको ज़रूर चेकआउट करें। और अगर आप चाहते हैं तो एक बार इसको ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए गए बेल बटन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली अच्छे अच्छे वीडियोज़ का आप मिस ना कर पाएं। तो आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।